हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को। सबसे पहले मेटल क्या होता है, मेटल आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल्स एंड डक्टाइल्स। मेटल्स क्या होता है, मेटल वो एलिमेंट्स है जिस जो क्या करता है, कंडक्ट हीट, जिस पास हीट कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मेलेबल होता है या फिर डक्टाइल होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटल। या फिर हम उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसको हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 281। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसके पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जहाँ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऐसा आयन्स, जो आयन्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स या आइटम जो अपने ऊपर चार्जेस रखते हैं, उसको बोलते हैं आयन्स। तो यहाँ पे के जो पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव चार्जेस रखे जो आयन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल्स। यानी जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटल्स। मेटल जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, प्लैटिनम, लेड, ये सब क्या हैं, सारे के सारे मेटल हैं। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेटल को कैसे, जैसे ये पेन है, इसको देख के हम बता सकते हैं ये मेटल है नॉन मेटल है, तो वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे उसको बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है। पहला क्या होता है, लक्षण। लक्षण का मतलब होता है, मेटल हैव शाइनी सरफेस, मतलब उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, चमकीला टाइप का होता है, उसको क्या बोलेंगे, वो लक्षण है, वो मेटल है। जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, आपने गोल्ड देखा होगा वो बहुत शाइन करता है, सिल्वर भी शाइन करता है, तो सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। दूसरा क्या होता है, हार्डनेस। हार्डनेस मतलब मेटल आज जनरली हार्ड होता है, मेटल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, जैसे हमारा आयरन, लोहा आपने देखा है, कॉपर, कॉपर भी देखते होंगे, वो सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक, आयरन को Fe बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, सिंबल होते हैं। एक्सेप्ट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों को छोड़ के जितने मेटल्स होते हैं सब हार्ड होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। इनको छोड़ के एक्सेप्शंस, ये तीन एक्सेप्शंस होते हैं, इनको छोड़ के सभी मेटल हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, उसका स्टेट। स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मेटल होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसा होता है, मरकरी जो होता है लिक्विड होता है। आप लोग घर में जब आप लोग बुखार होता है तो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो थर्मामीटर में जो आपका जो मरकरी रहता है थर्मामीटर के अंदर, जो मरकरी जो होता है कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आपका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है, मेटल कैन बी बीटेड इन टू थिन शीट्स। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल। जैसे कोई मेटल है, मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में बीट कर, मतलब उसको बीट कर करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मिठाई की शॉप पे उस पर गोल्ड फॉयल देखा होगा, सिल्वर फॉयल देखा होगा उसकी, यानी कि सिल्वर का पतला सा शीट आप रहता है, वो क्या होता है, मिठाई पे रहती है, लगी रहती है, वो सब कैसे होते हैं कि मेटल होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बीटिंग कर सकते, बीटिंग करके मतलब उसको पीट करके पतला लेयर बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, यानी मेलेबल प्रॉपर्टी है। कंडक्ट, नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब मेटल को हम थिन वायर में भी बना सकते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, अपने घरों में कॉपर की तार देखा होगा, एल्युमिनियम का वायर देखा होगा, तो उसको हम थिन लेयर में भी कर सकते हैं मेटल को। फिर क्या होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर का मतलब हो गया, उसको इलेक्ट्रिसिटी या हीट को वन पास से अदर पास कर ले जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जो ले जाता है, उसको क्या होता है, कंडक्टर। तो कैसा होता है ये, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिल्वर और कॉपर आर बेस्ट गुड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कॉपर सिल्वर क्या होते हैं, ये आपने अक्सर तार में देखा होगा जो वायर होते हैं,
बिजली के वायर उसमें क्या होते हैं, कॉपर यूज होता है, क्योंकि कॉपर कैसा होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करता है, एक करंट को दूसरे करंट तक पास कराता है, करंट को दूसरी जगह से यहाँ से लेकर वहाँ तक पास कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है गुड कंडक्टर। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब हो गया, उसके वेट से बात करेंगे। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मल्टीपॉइंट। जिसके पास डेंसिटी हाई होगा उसका मल्टीपॉइंट भी हाई होगा। कुछ मेटल लाइक सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम, ये क्या होते हैं, ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, ठीक, और डेंसिटी भी, ये डेंसिटी कैसा होगा, डेंसिटी इसका लेस, उसका डेंसिटी लो होता है, लो डेंसिटी होता है। एक प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस। सोनरस क्या होता है, मेटल आर सोनरस व्हेन मेटल स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब भी मेटल को हम लोग स्ट्राइक कराते हैं, किसी से टकराता है, तो कैसा होता है, सोनरस आवाज़ आती है, उसमें कुछ आवाज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं, सोनरस। जैसे बेल, बेल जो बनी होती है वो कैसा होता है, मेटल का बना होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। यानी कि मेटल क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हार्ड होना चाहिए, लश्यस होना चाहिए, डक्टिलिटी होना चाहिए, मैलेबल होना चाहिए, कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, डेंसिटी इसकी हैवी होना चाहिए, सोनरस, ऑक्साइड, ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, मेटल के। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एक एक करके देखेंगे, सही प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। पहला होता है रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एयर। जब कोई मेटल को एयर यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी मेटल को ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल, कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल्स हो डिफरेंट एक्टिविटी टूअर्ड ऑक्सीजन, मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स जो होते हैं, अलग अलग मेटल्स अलग अलग प्रॉपर्टी ऑक्सीजन का शो करेंगे, ठीक, उसकी रिएक्टिविटी अलग होगी, इसलिए अलग अलग रिएक्टिविटी शो करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में। कुछ मेटल्स दिए हैं जो ऑक्सीजन अलग रिएक्टिविटी शो करेंगे, पहला क्या था, सोडियम एन ए पोटेशियम के, ये क्या होता है, रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। मतलब सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे इसको हम लोग ओपन रखते हैं तो वो क्या होता है, तुरंत उसमें फायर पकड़ लेता है, और इसीलिए उसको क्या करते हैं, हम लोग केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। मतलब सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे हमने इसको सिंपल ऐसे यहाँ पे लाके, मान लीजिए सोडियम हमारे पास, जैसे कुछ सोडियम में ला के यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, इसमें कुछ देर में से क्या देखेंगे, इसमें फायर पकड़ ले रहा है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जो होता है, ये जो चार मेटल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन का रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, एक पतली सी लेयर उस पर बना देंगे, उस मान ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे लेयर बना देंगे, और वो लेयर क्या करेगा, वो जो मेटल ऑक्साइड का जो लेयर बनेगा वो प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा, मतलब वो उस चीज़ को ख़राब होने से बचाएगा। मान लो हमारे पास ये मैग्नीशियम का मैग्नीशियम रखा हुआ है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इसको पतली सी लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, मतलब कि इसके अंदर जो हमारा मेटल रहेगा उसको ये प्रोटेक्ट करेगा ख़राब होने से, सिर्फ जो भी ख़राब होगा उस लेयर ही ख़राब होगा। थर्ड क्या होता है, आयरन। आयरन का देखेंगे, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। जो आयरन होता है वो हमारा ऑक्सीजन साथ बहुत धीरे रिएक्शन देता है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन आयरन फीलिंग, आयरन फीलिंग का मतलब होता है पाउडर, ठीक है, आयरन का पाउडर, आयरन पाउडर जो होगा उसको हम लोग हीट करेंगे तो बहुत तेज़ी से बर्न कर जाता है। नेक्स्ट है, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को जलाते हैं, हीट करते हैं, तो बर्न नहीं होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, ब्लैक कलर का एक लेयर बन जाता है, उसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, कॉपर, सॉरी, नेक्स्ट क्या है, AU and Ag does not react with oxygen। जो हमारा सिल्वर है और गोल्ड, गोल्ड सिल्वर जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, आपने देखा होगा।
नेक्स्ट क्या है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि जो मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं आपका बोथ एसिड एज वेल एज एसिड के साथ साथ हमारा बेस, एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये हमारा एसिड साथ HCl है एसिड है रिएक्शन कर रहा है तो क्या होना है AlCl3 AlCl3 क्या होता है सॉल्ट होता है साथ में वाटर। इसी तरह से जब इसी को हम रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ यानी Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं NaOH बेस तो क्या कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे जो बनेगा वो सॉल्ट होगा और क्या होगा साथ में वाटर। नेक्स्ट क्या है रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। सेकेंड क्या है प्रॉपर्टी मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है यानी कि हमारा ये मेटल जो वाटर से रिएक्शन करता है या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टिविटी पे मेटल की। अगर मेटल बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या बनाएगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा बट अगर वो लेस रिएक्टिव है लीस्ट रिएक्टिव है या फिर मॉडरेट रिएक्टिव है तो क्या बनाएगा वो मेटल ऑक्साइड यानी कौन सा बनाएगा हाईली रिएक्टिव ये क्या बनेगा लेस रिएक्टिव मेटल जो होगा लेस रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाईली रिएक्टिव मेटल करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होगा उसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल सोडियम और सोडियम कैसा है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है रिएक्टिव विथ वाटर क्या बना रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम में हाईली रिएक्टिव है कैल्शियम क्या बनाएगा वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस। आयरन क्या होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है तो या फिर मॉडरेट कह सकते हैं मॉडरेट रिएक्टिव होता है तो इसको क्या ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आयरन ऑक्साइड साथ में फेरिक भी बोलते हैं इसको साथ में क्या बनाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि जैसे मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता था कि कौन सा मेटल किस ऑक्सीजन के साथ मतलब कौन सा मेटल कैसे ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रहा है इस तरह यहाँ भी देखेंगे कि डिफरेंट मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो वाटर के साथ अलग अलग होगा। तो पहला होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर राइट ये तीनों क्या कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है। एल्युमिनियम आयरन जिंक किसके रिएक्ट कर स्टीक साथ कर सकता है। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होते हैं फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। क्या होता है कैल्शियम मैग्नीशियम जब वाटर में डालते हैं तो वो वाटर में आपको पता है H2O होता है तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से चिपक जाता है चिपक करके क्या होता है उसमें तैरने लगता है और वो क्या करता है सरफेस पे आ जाता है ठीक है यानी कि इस वाटर के सरफेस पे आ जाता है तो मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम जब डालेंगे वाटर में क्या होगा उसके सरफेस पे तैरने लगता है। सिल्वर कॉपर ये क्या हमारा गोल्ड सिल्वर कॉपर और लेड दस नॉट रिएक्ट विद वाटर जैसे आप देख सकते हैं अगर रिएक्शन करता है तो हम अपनी ज्वेलरी कैसे धुलती है जो हमें गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं तो उसको हम लोग वाटर में इसलिए धुल सकते हैं उससे कोई हार्म नहीं होता है कोई उसको कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों होता है ऐसा क्योंकि सिल्वर गोल्ड कॉपर और लेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं वाटर से रिएक्शन नहीं देते हैं इसलिए इसमें कोई भी हार्म नहीं होता है कोई उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है तो वाटर साथ उसको धुलते हैं तो। नेक्स्ट क्या है रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड। मेटल्स डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल को कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ नहीं हम लोग कर सकते रिएक्शन क्यों क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाईली क्या होता है हाईली जो थर्मिक हो जाएगा मतलब कि कंसंट्रेटेड जितना रहेगा उसके साथ मेटल रिएक्शन कराएंगे तो बहुत डेंजरस होगा हमारे लिए इसलिए क्या करते हैं हमेशा मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं और क्या बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन। एग्जांपल आयरन विद HCl फॉर्म ये हमारा FeCl2 है तो क्या बोलेंगे इसको सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम के साथ हम क्या करेंगे HCl एसिड से कराएंगे कैसे कि डाइल्यूट एसिड है तो क्या बनेगा हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। चौथा पॉइंट क्या है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट यानी मेटल ए रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन बी फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन ए
द शॉर्ट सेक्शन बी, मतलब जैसे मेटल ए है ठीक है, साथ में शॉर्ट सेक्शन बी है, तो ये क्या करेगा, मेटल ये हमारे बी को रिप्लेस कर देगा, राइट, ये हमारे बी को रिप्लेस कर देगा और ए हमारा यहाँ चला जाएगा, बी हमारा इधर आ जाएगा। तो कैसे बना, शॉर्ट सेक्शन ए बन गया, यहाँ पे बी बन गया। एग्जांपल देखेंगे, आयरन को कॉपर सर्फेस से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आयरन ने क्या किया, ये हमारा कॉपर को रिप्लेस कर रहे हैं, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आयरन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कॉपर हो जाएगा, सेम FeSO4 प्लस कॉपर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिएक्टिविटी पे हो रहा है, ठीक है, इसको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया। इसमें क्या देखेंगे कि जो हाईली हमारा रिएक्टिव है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है लेस रिएक्टिव। आयरन क्या होता है, हमारा हाईली रिएक्टिव होता है, डिस्प्लेस कर दे किसको, लेस रिएक्टिव कॉपर को। इसके एक सीरीज देखते, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या देखेंगे, इट इज़ द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आने पे क्या हो गया, हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, यानी सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर मर्करी, सिल्वर और क्या, गोल्ड। जो नीचे जैसे जाएंगे वैसे क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। तो जैसे देखा है आपने, आयरन था ना, आयरन या कॉपर था, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है कॉपर से, कॉपर क्या हमारा प्लस रिएक्टिव, इसलिए आयरन ने क्या किया था, कॉपर को रिप्लेस कर दिया था।